के मुख्य समाचारों से रूबरू कराते हैं। थाना खुटार के ग्राम मणिपुर के पास दो स्कूली छात्रों को स्कूटी से विद्यालय जाते समय स्कूली बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों छात्र आपस में सगे भाई हैं। ग्राम हरिपुर भटनौसा निवासी गुरमेल सिंह के दोनों पुत्र जीतपाल सिंह 14 वर्ष व हरमीत सिंह 9 वर्ष आज प्रातः स्कूटी से संत सुखदेव सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल जा रहे थे, तभी पुआया के निजी स्कूल की बस जो कि तेज रफ्तार में जा रही थी छात्रों की स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष ही गुरमेल सिंह की बेटी मनप्रीत कौर की बीमारी से मृत्यु हो गई थी और अब उनके दोनों बेटे भी असमय ही दुर्घटना में मारे गए। दुर्घटना से आहत गुरमेल सिंह और उनकी पत्नी करमजीत कौर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। दिनांक 21/12/2023 को थाना खुटार के ग्राम हरिपुर में एक बस द्वारा दो स्कूली छात्रों को टक्कर मार दी गई है, जिसमें दोनों स्कूली छात्रों की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर जिला अस्पताल रवाना किया गया है एवं अज्ञात बस चालक के विरुद्ध मुकदमा लिखकर थाना खुटार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम पर कानूनी तौर पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके बाद भी बाल श्रम रुक नहीं रहा है और हद तो तब हो जाती है जब सरकारी एजेंसी भी इस अपराध में शामिल हो जाती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों रिसेंटली न्यूज की पहल पर शाहजहांपुर महानगर में सीवर लाइन डालने के दौरान दो बच्चों से जोखिम भरा कार्य कराते हुए जल निगम के ठेकेदार को श्रम विभाग ने पकड़ा था। ताजा मामला इसी जनपद के सिंधौली क्षेत्र के ग्राम मूड़ा का है, जहां जल शक्ति मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इस जोखिम भरे कार्य में नाबालिग बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने ठेकेदार से नाबालिग बच्चों का शोषण करने की बात पूछी तो बिना जवाब दिए ही ठेकेदार मौके से फरार हो गया। अब देखते हैं इन बच्चों को ठेकेदार के शोषण से मुक्ति कैसे मिलती है। क्या नाम है तुम्हारा? लकी। कहाँ के रहने वाले हो? भाईपुर। यहाँ काम के लिए किसने बुलाया? किसने बुलाया काम के लिए? कितने पैसे मिलते हैं यहाँ? उम्र कितनी है तुम्हारी? कहाँ रहते तुम? क्या इधर देखो, कहाँ रहते? भाईपुर। किसने बुलाया यहाँ काम करने के लिए? आए हम, आए अपने आप। अपने आप? हाँ। कोई ठेकेदार नहीं लाओ? ठेकेदार हमें बेगिन के आए। कौन? ये भाई। कितने रुपये मिलते? 300। उम्र कितनी है तुम्हारी लगभग? 1500। आप इसका ठेकेदार हैं? ना, मुनीर है। हैं? ये बच्चे नाबालिग बच्चे जो काम कर रहे हैं, ये किसने बुलवाए हैं? कौन नाबालिग कर रहा? एक 14 साल का है, एक 15 साल का। कौन कर रहा? ये किस तो अभी आए? किसने बताया इन्हें नाबालिग बच्चों से काम करवाने लिए? हमने नाबालिग कोई करा होता ही ना, जय लोग हैं। आपका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार यहाँ के नाई है भैया। नाबालिग पहली बात कोई करा होता नहीं, वही नाबालिग कौन है? नाबालिग दो बच्चे अभी अब देख के आए हैं, नाबालिग दो बच्चे काम कर रहे हैं। आप ये बताइए किसने बुलाया उन्हें? अरे हम तो हुआ भाई आए, नाबालिग तो हम किसी को रखते ही नहीं भाई। नाबालिग अगर आप नहीं रखते हैं तो वो क्या अपने आप काम करने लगे? हम तो हुआ भाई आए, हम तो देखना नहीं आ गए, नाबालिग तो हम किसी को रखते ना, जय देखो वही वो किए आप। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत एआरटीओ प्रवर्तन शांति भूषण पांडे ने ओवर स्पीड जा रहे 94 वाहनों का चालान किया। इसी प्रकार 19 दिसंबर की रात्रि में 7 बसों को सीज किया गया। इसी दौरान एआरटीओ प्रवर्तन शांति भूषण पांडे के साथ क्षेत्राधिकारी यातायात व एआरएम भी मौजूद रहे। दूसरी ओर परिवहन विभाग के द्वारा ही सत्यानंद हॉस्पिटल में बेसिक ट्रामा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राइवर परिचालक एम्बुलेंस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक व सचिव डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा, संभागीय निरीक्षक विकास कुमार यादव के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर आबकारी विभाग व एसओजी टीम ने हरियाणा से आ रहे एक ट्रक से
60 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की, जो अनाधिकृत रूप से हरियाणा से बाहर उत्तर प्रदेश में पहुंचाई जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी को मुखबिर से मिली सूचना पर थाना रामचंद्र पुलिस एसओजी व आबकारी टीम ने संदिग्ध ट्रक को रोक कर तलाशी ली, जिसमें जूट के बंडलों के नीचे 580 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई। ट्रक चालक मनीष ने बताया कि उसे कृष्णा जाट नामक व्यक्ति ने शराब गोरखपुर पहुंचाने के लिए 15,000 रुपए देने का वादा किया था और उसी के बताए अनुसार मैं शराब गोरखपुर लेकर जा रहा था। फिलहाल बरामद शराब के साथ ड्राइवर मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रामचंद्र मिशन, सर्विलांस एसओजी तथा आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 580 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त शराब की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा उसे जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का गिरोह 2,80,00,000 की चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ ने शाहजहांपुर जनपद के रौजा थाना पुलिस के साथ नेपाल के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। रौजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा चौराहा के पास मोहम्मदी रोड पर एक सेंट्रो कार को रोक कर तलाशी ली, जिसमें 28 किलो चरस बरामद हुई। कार से 2 पुरुष व 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे नेपाल राष्ट्र के बांके के रहने वाले हैं तथा उनका नाम लवराज शर्मा, रमा धीरज, सहयोग कुमारी है। तीनों तस्करों ने पुलिस को बताया कि वे नेपाल से चरस खरीदकर हरियाणा में बेचते हैं। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रोजा एसटीएफ व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इनके नाम लवराज, रमा धीरज तथा संयोग कुमारी हैं। इनके पास से 28 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2,80,00,000 रुपये बताई जा रही है। इनके पास से 1 सेंट्रो कार, 3 मोबाइल व कुछ नकदी भी बरामद हुई है। ये तीनों नेपाल के नागरिक हैं तथा इस तरह से चरस की तस्करी करते हैं। इनके और विवरण के बारे में जानकारी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना निगोही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरों के सरगना को चोरी के आभूषण व अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हरिद्वारी ने बताया कि जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में एक सर्राफ की दुकान में उसके गिरोह के द्वारा चोरी की गई थी और बरामद सोने का हार उसी चोरी का है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त हरिद्वारी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। महोदय शाहजहांपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना निगोही द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा हरिद्वारी नामक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त अभियुक्त के पास से पीली धातु का सामान, जेवर, तमंचा तथा कुछ नकद रुपए बरामद किए गए। उक्त चोरी गए सामान, चोरी के प्राप्त सामान का संबंध जनपद खीरी के थाना निगासन में एक शराब के यहाँ से हुई चोरी से लगाया जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।